नमस्कार मंतव्य को आपन को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना मंतव्य रे आज आलोचना करबा आयुर्वेद संजीवनी बाबद रे मोर कहिबार अर्थ होछि जे भली भाव रे एक अदृश्य शक्ति सहित एक अदृश्य भूताणु सहित पूरा विश्व वर्तमान लड़ई करुछि मनुष्य समाज वर्तमान एक अस्वाभाविक संघर्षमय दिग देखि गति करुछि से बाबद रे आलोचना करबा किंतु अनेक मंतव्य सामना को आसे जदि आयुर्वेद चिकित्सा ग्रहण करा जांता जदि योग ऊपर आलोकपात करा जाय परंता हुए तो लोकों को भितरे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी पारंता एवं ए महामारी को आमे लड़े आमे हरे पारंतु ए बाबद रे अधिक आलोचना करबा पई वासुदेव प्रधान मो सहित अछंती चिकित्सक आयुर्वेदिक एवं मो सहित अछंती सुधांशु अधिकारी पतंजलि ओडिशा शाखार मुख्य उभय को स्वागत करुछि श्रीजुक्त प्रधान प्रथमे आपण को पाकु जिबा पई चाहिबी आपण अनुभव करंती कोरोना लड़ई रे आयुर्वेद रो भूमिका योग रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली ओके आमे वर्तमान वासुदेव प्रधान को सहित जोड़ी हो पारुना हो पुणि थरे आसीबे सुधांशु अधिकारी मो सहित अछंते श्रीजुक्त अधिकारी आपण को मतरे योगर भूमिका कोन रहिछि जदि एक सुस्थ जीवन आमे अतिवाहित करबा पई चाहिबा। देखंतु जो विषय को नेकी आज एते आलोचना होछि आज्ञा बॉडी रो रेजिस्टेंस पावर बा जहा को रोग प्रतिरोधक शक्ति बोली कह जाउछि ताहा केवल योग द्वारा ही संभव हेइ पारे। एकथा को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आज मानि सारिलाणी जे जहांक भितरे जेते अधिक रोग प्रतिरोधक शक्ति अछि से एई भली मारात्मक भूताणु को परास्त करि परुचन। तेणु जहांक जीवन रे योग अछि आयुर्वेद अछि यज्ञ अछि एई भली अनेक प्रकार रो भूताणु आक्रमण आम जानत अजानत रे हेइ चलिछि प्रत्येक। तेणु आज जेहेतु यहा द्वारा व्यापक भाव रे क्षय क्षति होउछि जीवन हानि होउछि पतंजलि ओडिशा शाखार मुख्य ए विषय रे आपण कोण अनुभव करंती आपणक शिविर रे अंश ग्रहण करथवा प्रत्येक लोक योग शिक्षा रो महत्व जानंती दैनंदिन जीवन रे सेमाने योग को आपणै छंती सेमाने योग करंती सेमानक भितरे कोरोना संक्रमित चिन्हट हेउछंती ना नाही एवं जदि चिन्हट होउछंती केते भयावहता रहिछि केते लाइफ रिस्क रहउछि सेमानक पई सेमाने तो नित्यदिन योगाभ्यास करउछंती। देखंतु बहुत बढ़िया प्रश्न आपण पचारले। जो माने नियमित योग करुछंती विगत मार्च 2020 ठु आज पर्यंत मो भली हजार हजार लक्ष लक्ष भाई भौणी आम परिवार रे पतंजलि परिवार रे करुछंती अभ्यास सेमानंको भितरु केही जणे भी आज मृत्यु मुखरे पड़ी नाहंती। मो विथ फुल अथॉरिटी आपनकु कहि पारे जे नियमित योग अभ्यास करिछंती करुछंती जे गुणुची तुलसी रो प्रयोग रेगुलर करुछंती जहांको जीवन रे यज्ञ अछि से माने आद्यो यहार शिकार हेउनांती। जदि भी कोनोसी संक्रमित व्यक्ति रो संपर्क रे आसी जाउछंती सामान्य सर्दी कास भली दिने दुई दिन तीन दिन भीतर तांकु ता छाडी जाउछि ना हॉस्पिटल जिबाकु पडुछि ना ऑक्सीजन सिलेंडर तांकु आवश्यक पडुछि सामान्य आइसोलेशन रे रहिला परे दुई तीन दिन परे से नेगेटिव हे जाउछंती। आ मु आपनको पाखरे सबटु बड प्रमाण अछि भौणी स्मृति लग्ना मो 2020 मार्च 22 तारीख रु आज पर्यंत दिने भी रोग रे पड़ी नाही कि थंडा सर्दी कास मते हेई नाही एवं मु नियमित योग करूची गुळूची खाऊची तुलसी सेवन करूची मो घरे प्रत्येक दिन यज्ञ हेउची आयुर्वेद विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक अनेक रोगी आयुर्वेद चिकित्सा कला बेले देखी मूल रु रोग विनाश हो पारुछि ना पुणि थरे रोग आसुछि सेमानक भितरे रोग प्रतिरोधक शक्ति केते अधिक रहुछि जदि सेमाने आयुर्वेद चिकित्सा उपरे निर्भर करुछन्ति। सुंदर कथाटे पते पचारले मोर 34 वर्ष चिकित्सा अनुभूति रूप कहिबी जे आमे जो राज्य चिकित्सा करुछि मु आमर आयुर्वेद रा विश्वास के बहुत कम थिला बिन्दु ए कोरोना आसिला कोरोना आसिया परे परे ओडिशा रे आयुर्वेद चिकित्सा प्रति जथेष्ट आग्रह बढ़ी ये गोटे जिनस कह कहीं आग्रह बढ़ी किसी लोक उपकार पाँच केबे विश्वास को नियंते नहीं गोटे कथा कथा हूँ ये जो करोना समय रे
आम जो चिकित्सा जगौचु आप भावुवे जे केवल आधुनिक चिकित्सा पाई लोक मैंने जा नुहे आमर मत परामर्श नौ समय अनुसार जो खबर कागज लेखा प्रकाशित तो हो गणमाम आसुचु आ बहुत लोग आसुच्चे गोटे क्या कह करोना को आम दूरवाप केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सहायता नवा उचित नुहे कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं आयुष चिकित्सा गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परी तेणु दुईट आवश्यकता अच्छी आ गए बलिष्ठ उदाहरण देवी जमी महिषासुर को निधन करने दश भुजा माँ दश भुजा दस टी हाथ में दस प्रकार आयुध धरी तेणु ये जो महामारी आसी भयंकर महामारी आसी गोटे चिकित्सा विज्ञान सहायता निपर ना से आपणकर आयुष आयुष भितर आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होमिओपैथी सब रही विशेषकर ए क्षेत्र में आपंकर आयुर्वेद चिकित्सा एवं योगर आवश्यकता रही दुईटा को जी आप व्यवहार करेंगे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सहित आम दूरे पार मत गोटे छोटिया कथा कहतु जिते बड़े कंडीशन बहुत क्रिटिकल होते आईसीयू को नि वेंटिलेटर को नि समय कौन आयुर्वेद चिकित्सा करे समय कौन आयुर्वेद चिकित्सा उपर निर्भर करणत लोक मैंने एलोपैथिक मेडिसीन एथपाई अधिक विश्वास करण से बहुत सर्ट पीरियड में भल रेजल्ट थाए कि आयुर्वेद चिकित्सापी लोकंर कहवा कथा जी गोटे दीर्घ समय ता कंटिन्यू करने को पड़े जहाँ मेडिसीन रो कोर्स रही था एक कथा को आपण कि भली ग्रहण करते मु गोटिए उदाहरण देबी आपणकर गोटिए बथ हो जाय जदि आपणकर प्राइमरी स्टेज रे आपण कोनसी लेप द्वारा बा अल्प चिकित्सा रे से शांत हो जाउची आपणकर छुरी कतुरी कैंची रे आवश्यकता नाही तेणु आयुर्वेद कहे एक सुस्थ जीवन धारा रो सूत्र तेणु आप दिनचर्या रही रातिचर्या रही ऋतुचर्या रही मानि चलिबा आमर आयुर्वेद चिकित्सा रे खाद्य सरणी वर्णना करा जाइछि खरा दिन कौन खाद्य खाइबे शीत दिन कौन खाइबे ऋतुसंधि कौन आम भारतीय चिकित्सा विज्ञान ठीक आम दूरेचे चिंता चेतना भितर नाही बोली आम भोगुचे तेणु प्राथमिक स्तर रे बा प्रारंभिक अवस्था रे आम रोग को नियंत्रण करि परिबा आपण कहिबे जे नाही मते गोटे कथा जे तो प्राथमिक स्तर रे रोग को नियंत्रण करा जाई परिबो डॉक्टर प्रधान तो कोरोना थारु दूरै रहबा पई वर्तमान द्वितीय लहर रो भयावहता आम समस्त देखुचु मृत्यु संख्या मध्य वृद्धि पाइछि कुआ जाउछि आगामी दिन रे सेप्टेम्बर रे तृतीय लहर मध्य आसीबो एवं यार भयावहता आहुरी अधिक हेबो तो वर्तमान टु आम किभली चिकित्सा नेबा आम निज शरीर प्रति जत्नवान हाबापाई घरे आयुर्वेदिक रिमेडीज एमती कौन रही जहाँ आप परामर्श करेंगे आम दर्शक मान निश्चित भाव मुत प्राइमरी केयर क्या कहली आपर फटाल कंडीशन जे आयुर्वेदिक आम छाड़ा ता नुहे से कहूँ आयुर्वेद चिकित्सार भी आवश्यकता अच्छी एक खाद्य पानीय औषध रही चिकित्सा सहित आम जोड़ी पार साधारण साधारण उदाहरण देवी आपंकर जो आपणकर सुस्थ फुसफुस रहापी आपण घर रही बाड़ी बगिचा रही बासंग तेना बासंग पत्र भारी उपकारी आपणकर गोटे इजी रेस्पिरेसन आपणकर सुस्थ श्वसनभ संस्थान रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीयर रहापी आपड़ सहज निश्वास प्रश्वास नापी बासंगर भूमिका अधिका तेना आप कौन करेंगे बासंग को सीझात तो पत्र को सीझातु से आप गोलमरीच गुंडे पकातु ताको नियमित पियंतु जदि डायबिटीस नहीं आप महु टे मिस नचे आप बासंग पत्र रस तुलसी पत्र रस एवं गोलमरीच गुंड पकईकि आप दिन को दुई तीन थर पीबे आपंकर श्वास कष्ट रही पार अज्ञा डॉक्टर प्रधान ये गोटे छोटिया कथा साधारण लोक मैंने अनेक अभियोग मत यह भी करे आम अनेक दिन धरिकी काढ़ा पीऊ आमको कोरोना हो तार उत्तर आपखे कौन रहा निश्चित भाव उत्तर देवी काढ़ा पीऊ काढ़ा छाड़ी आपणकर गुड़जी कथा सुधांशु बाबू कहले आयुर्वेद कहे जदि नियमित गोटे लोक छ इंच लंबर गुड़ुची अभ्यास कर खाए दीर्घायु हम ए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ो आम जिते दरकार पड़ी व्यवहार करुचे परवर्त समय प्रयोग करे आयुर्वेद आज श्रृंखला सहित कही ऋतु अनुसार कौ द्रव्य आप व्यवहार करेंगे ये ऋतु में गोटे आउ उदाहरण देवी आप करोना चली श्वासकष होम्लजान अभाव रोचे आपण पाखे हरिडा रही जेहेतु आपंकर ग्रीष्म ऋतु चली तार अनुपान करेंगे गुड़
ऋतु अनुसार केतले महुरी ने केतले गुड़ ने केतले घेर ने सुंदर भाव में वर्णना कराई तेणु ये निर्दिष्ट समय आसी कोरोना विषय में चिंता करूचे सब बेले आयुर्वेद चिकित्सक परामर्श नहीं कि आम बाई हैबिट जब व्यवहार कर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आम रोग जो गंभीरता कम मैंने आप कहते नियमित भाव में सबकि व्यवहार करने कंटिन्यूटी ब्रेक हेले निश्चित भाव में तार जिते प्रभाव पड़ा दरकार आम शरीर प्रति ता कम होता है से प्रभाव कमी जाए मुझे आपं सुधांशु अधिकारी पाक फेर चाहिए श्रीजुक्त अधिकारी जो कथा आप आरंभ कहते जदि ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रण करने रही तो निश्चित भाव में जोगर बहुत अधिक गुरुत्व रही आम अनुलम विलोम कथा कहवा यह अनेक मात्रा रे देश में नुह विश्व में आदृति लाभ करछी साधारणत तो कोरोना समय देखा मिले श्वासक्रियार अनेक समस्या देखा देते लोक मैंने अणनिश्वास अनुभव करते अनुलम विलोम करवा संभव हो कि पंचाशी रु नब्बे भाग लोक मेडिकल जाऊ ना पांच भाग लोक को सामान्य सामान्य सिलिंडर आवश्यकता रही दुई तीन प्रतिशत लोक को एडमिशन इत्यादि सुजोग सौभाग्य मिलूची एवं 0.12% वेंटिलेटर को जाऊँ आम कथा हूँ नब्बे प्रतिशत लोक जो मैंने क्वारंटाइन अच्छा साधारण भाव संक्रमित होती शहे तीस चालीस कोटी लोक लोक संख्या विशिष्ट देश में आप मेडिकल फैसिलिटी केबे भी जोगे पारे ना तेणु जो मैंने एकदम अधिक सीरियस अच्छा मॉडर्न मेडिकल साइंस अच्छी वेंटिलेटर आवश्यकता अच्छी से प्रतिशत बहुत कम किंतु आपण मो भली जो मैंने सामान्य भाव में जब कौन कारण संक्रमित हो जाती से भी सिलिंडर खोजुंच मत का भयभीत किसी भयंकर परिस्थित है मु भी मो घर सिलिंडर महजूद रखी से असुविधा हूँ सब प्रकार व्यतिक्रम हो तेणु मु निवेदन करी भगवान आपन को दुईटी सिलिंडर देखते सामान्य संक्रमित अच्छा आपड़ अनुलोम विलोम दस पंद्रह मिनिट सका दस पंद्रह मिनिट दीपर दस पंद्रह मिनिट संध्या बेले करंतु एई देखंतु सामान्य भाव बामरे नेले दक्षिण रे छाड़ी देले दक्षिण रे नेले बामरे छाड़ी देले आपण को चैनल रे विगत बोधे सप्ताह तले मु देखैतिली जोंटी की मोर पूर्वरु 99 ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट थिला तापरे मु श्वास को रोकी तक अपन कर दाबी रही थिला जे सैचुरेशन पॉइंट जेति के रहबा कथा ह्यूमन बॉडी रे सेति के रहउची एवं अनुलम विलोम को आपण स्ट्रेस देथिले जा को नै कि अर्गस मध्ये एक स्पेशल एपिसोड करथिला श्रीजुक्त सुधांशु अधिकारी को पक्को फेरबा पई चाहिबे जे भली भाबरे आपण कहथिले जे योगाभ्यास हम जीवन रे अनेक गुरुत्व बहन करिथे एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि रे एहार अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिची विशेष भाबरे योग जो माने चाहिबे से माने निजे सिखि परिबे कि ना तार विधिवत भाबरे कौशल रहिची ताको शिक्षा दवा पई पाखरे एक लोकर आवश्यकता रहिची देखो तो साधारण भाव में श्वास प्रश्वास गति को नियंत्रण करने विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न क्रिया करने कौन गुरु आवश्यकता ना जो श्वास सामान्य भाव में जाऊँच मु कोरोना काल दुई तीनो अभ्यास संपर्क आपन को कहि जहाँ आपण भी अचीर वर्तमान ही शिक्षा करें आपड़ लंबा नेबे लंबा छाड़े एथपाई गुरु किसी आवश्यकता ना देखते ओके आपन कोइछन्ते निश्वास नै कि होल्ड करबा पई एवं किछि समय पर दीर्घ छाड़ीबे ओके दीर्घ नेबे दीर्घ छाड़ीबे 4 रु 5 सेकंड रे नेबे 4 रु 5 सेकंड रे छाड़ीबे आकु भस्त्रिका कह जाय आकु मात्र 5 मिनिट करंतु आपनकर 7 कोटी 30 लाख रु अधिक छिद्र रहिछि दुटी जाक लंग्स रे से समस्त छिद्र पर्यंत मुक्त अम्लजान पहुचिबो एवं समस्त होल गुडी को छिद्र गुडी को खोलिजिबो ना सेठी रहिबो व्यतिक्रम ना रहिबो श्वास रे असुविधा द्वितीयत हूँ कपाल भाती अभ्यास करंतु शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति मात्राधिक भाव ये बढ़ाए निश्चित भाव ये सब योग माने आपण कहउछन्ते विधिवत भाव रे श्वासक्रिया ऊपर जदि नियंत्रण अणा जाय पारिबो ताहले निश्चित भाव रे सुस्थ समाज गठन होई पारिबो सुस्थ मनुष्य गठन होई पारिबो फेरी भी डॉक्टर वासुदेव प्रधान को पाकु को डॉक्टर प्रधान लगातार भाव रे आमे आलोचना करथुलु आयुर्वेद विज्ञान रो आयुर्वेद चिकित्सा रो कोण रहिछि गुरुत्वपूर्ण भूमिका एवं से बाबद रे आपण आलोचना करथिले तो वर्तमान समय रे कोरोना को मुकाबला करबा पई आउ कोण कोण जिंस लोक माने घरे करि पारिबे कोरोना भयावहता को देखी विशेष भाव में कहा जाउछि जे थर्ड स्टेज रे जिते बड़े थर्ड वेव आसीबो सेते बड़े किड्स माने अधिक इफेक्टेड हेबे तो छोटो पिलां को पई कोन चिंता करा जाय पारिबो जदि हमें होम रेमेडी कथा कहबा
କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଲହରି ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛେ। ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଦା ରହିଛି ଘରେ, ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ମହୁ ଅନୁପାନରେ। ଆଉ ପଥି ହିସାବରେ ବା ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି କିସମିସ। କିସମିସ୍କି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେବା, ସେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଏ ଏବଂ କିଛି କାଶରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସେ କାଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାସଙ୍ଗ ଗଛ ଅଛି ତା'ର ପତ୍ର ସିଝାନ୍ତୁ, ସିଝେଇକି ତା ରସ ଏକକ ଭାବରେ ମହୁ ମିଶେଇକି ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ରସ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ କରୋନା ତ ଆସିନି ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ନିୟମିତ ନେଲେ ଆମର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ୁଚି ଲତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତା'ର କାଣ୍ଡକୁ ସିଝେଇକି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁଚି ନିୟମିତ ଖାଇଲେ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି କି, ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଗୁଡ଼ୁଚିକି ଆପଣ ବର୍ଷ ତମାମ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ବାସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିଚିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେବନ ପ୍ରାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ତିଆରିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜିଠାରୁ ରଖିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଲଚିନି, ଡାଲଚିନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଝେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାନି, ପରିବାର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଛି ଘରେ ଘରେ କର୍ପୂର ରଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୂର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଡାଲଚିନି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲମରିଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆଣି ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏଣେତେଣେ ପକାନ୍ତୁନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଲେଖୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ବି କହୁଛୁ, ତାକୁ କେଉଁ ତରିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯୋଗର ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖୁବ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଗର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯୋଗ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଭାରତ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେସବୁ ଦିନକୁ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟଙ୍କୁ, ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।